नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सड़कें वीरान, घरों में दुबके रहे इंसान, उस अदृश्य दुश्मन से जो सातिर है और है बलवान। 22 मार्च का नज़ारा किसी खौफनाक दृश्य से कम न था, मानो दुनिया थम सी गई हो। जिन सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर रहता हो, वो इतनी सुनसान कि दूर तलक सब दिख रहा था, पर वो नहीं दिखा जो हर रोज दिखता था। सड़कें खाली थी, ना वाहन ना लोग, दुकानों के शटर बंद थे, जो इस वीरानगी के माहौल को और भी खौफजदा बना रही थी। चेहरे पे मास्क लगाए इक्का दुक्का लोग दिखे, जिनके आंखें उस अदृश्य दुश्मन की खौफ बयां करती नजर आई। बिन बताए कह गए, साहेब मजबूरी थी इसलिए बाहर आना पड़ा। हालांकि भारत ने ऐसे दृश्य अनेकों बार देखे हैं, सड़कें वीरान सुनसान, लोगों के चेहरे पे खौफ भी इससे पहले दिखी है। बस फर्क इतना है, इससे पहले के कारण अमुक जाति धर्म और राजनीति हुआ करते थे, कारण और निवारण का पता हुआ करता था, जबकि इस बार का मामला कुछ अलग है। यहाँ कोई विशेष जाति धर्म और राजनीति के लोग नहीं, ना ही सामने वाला दुश्मन किसी के रंग पोशाक देखकर वार कर रहा है। किसके माथे पे तिलक है या किसके माथे पे टोपी है, किसने लुंगी धोती पहनी है या किसने साड़ी सलवार पहन रखी है, दुश्मन को इससे कोई वास्ता नहीं। वो तो हर एक को इंसान समझकर वार कर रहा है। दशकों से भारत ने मंदिर मस्जिद के झगड़े देखे, लेकिन आज इस दुश्मन की खौफ ने दोनों को वीरान कर दिया और इंसानों को एकजुट कर दिया। दरअसल 22 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश के नागरिकों से आग्रह किया था कि आज के दिन लोग जनता कर्फ्यू का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, जिसका देश के लोगों ने पालन भी किया और घरों में रहे, दुकान भी नहीं खोली। उल्लेखनीय है कि देश में इस बीमारी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 339 हो चुकी है। देश धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। 9 राज्यों के 170 शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन है। सर, आज रविवार का दिन है और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा भारत आपातकाल का भी लागू किया गया है, फिर भी आज आपका विद्यालय परिषद खुला हुआ है। राज्य सरकार का ऐसा आदेश हुआ है, शिक्षा विभाग का, कि कल और 23 तारीख और 24 तारीख COVID-19 के लिए जो बच्चे मिड डे मील नहीं खा रहे हैं, उनको 2 किलो चावल और 2 किलो आलू
प्रत्येक छात्र छात्राओं को क्लास 5 to 8 दिया जाएगा, उसी की तैयारी के लिए आज विद्यालय में खोल करके रखा हूँ। तो सर जैसे अभी देख रहे थे कि आलू और चावल की ये 2-2 किलो ये जिस टाइप की भराई हो रही है, क्या कल फिर विद्यालय खुलेगी जैसे राज्य सरकार ने कहा है कल और परसों? हाँ, कल और परसों 2 दिन विद्यालय खुलेगा, और गैदरिंग से बचने के लिए छात्रों को नहीं आने का निर्देश दिया गया है। केवल उनके अभिभावक आएंगे और 4-5, 5-6 जो है हम लोग स्टॉल लगाएंगे, टेबल लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे कि मास गैदरिंग से बचा जा सके, और उनके लिए सैनिटाइज का और साबुन का धोने की व्यवस्था किया गया है। साथ में ये भी उनको बोला जाएगा कि आप लोग जो हैं वह कम से कम 3 फीट की दूरी बना करके रखिए, जिससे कि इस महामारी से पूरा देश जो सर, है जैसे, वो बचा जा सके। जैसे राज्य सरकार द्वारा मिड डे मील के लिए चावल और आलू का वितरण किया गया है, तो सिर्फ चावल आलू वितरण किया गया, और कितना वितरण के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं? मतलब अभी तो 2 किलो आलू और 2 किलो चावल का ही वितरण का आदेश हुआ है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं।